दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से एक नई ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी गूगल अकाउंट बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कुछ ही मिनटों में, वो भी बहुत ही सरल और आसान तरीके से। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं एक नई ईमेल आईडी जीमेल आईडी गूगल अकाउंट बनाना, तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो बिना स्किप करे शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन की मदद से एक नई ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी बना सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक नई ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर ये जो जीमेल नाम की ऐप है, इस जीमेल नाम की ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस जीमेल नाम की ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज निकल कर आएगा। राइट साइड में ऊपर की तरफ देखिए प्रोफाइल का आइकन होता है, इस पर टच करना है। जैसे ही आप यहां पर टच करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज निकल कर आएगा। नीचे की तरफ देखिए ऐड अनदर अकाउंट है, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे सेटअप ईमेल करके ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है गूगल, इस पर आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि हम जीमेल आईडी बना रहे हैं गूगल अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम गूगल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इस पर टच कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे इस तरीके का पेज निकल कर आएगा। आपने आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कोई पैटर्न पिन या फिर फिंगरप्रिंट वगैरह लगाया है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद इस तरीके से यहाँ पर ये नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ लिखा है क्रिएट अकाउंट, तो ये जो नीले कलर से क्रिएट अकाउंट है आपको यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ टच करोगे दो ऑप्शन निकल के आएंगे, फॉर माय पर्सनल यूज़, फॉर वर्क और माय बिजनेस। तो जो पहला वाला ऑप्शन है तो इस पर आपको टच करना है, ये फॉर माय पर्सनल यूज़ पे। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे क्रिएट अ गूगल अकाउंट नाम से ये वाला पेज आएगा। एंटर योर नेम बोल रहा है, फर्स्ट नेम और सरनेम, सरनेम ऑप्शनल है, सरनेम ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं और नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं नाम डाल देता हूँ, इसी तरीके से आप भी अपना जो भी नाम है जिस नाम से बना रहे हैं वो एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने नाम डाल दिया है, इसके बाद में यहाँ पर मैं सरनेम ऐड कर रहा हूँ, आपको करना है तो आप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम में अपना नाम डाल दिया, सरनेम में सरनेम ऐड कर दिया है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का जो बटन दिख रहा है नीले कलर का, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन का ये पेज निकल कर आएगा। देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी है और जेंडर लिखा है, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जन्मतिथि है, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर मंथ डाल देंगे, जो भी मंथ है, इसके बाद ईयर जो भी आपका साल है वो यहाँ पर डाल दीजिए। इस तरीके से देखिए डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी है। जेंडर, जेंडर आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, मेल है या फीमेल वो सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर डिटेल हमने भर दी है। इसके बाद नेक्स्ट वाला बटन है नीले कलर से, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे आपके सामने ये वाला पेज निकल कर आएगा, क्रिएट आ जीमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आपको आपका जो जीमेल एड्रेस है @gmail.com जो होता है वो बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको आपका जो ईमेल एड्रेस है उसको बनाते टाइम आपको एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे बिना स्पेस के लिखेंगे, तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है, जो भी आपको लिखना है बिना स्पेस के लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप सिंपल तरीके से बनाएंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका नाम राहुल पटेल है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर राहुल पटेल लिख देंगे तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं लेगा, रेड कलर से एरर आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हमसे पहले हजारों करोड़ों लोग यहाँ पर जीमेल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, जीमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी रहता है, तो इसलिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता है, इस वजह से एरर आ जाता है। तो आपको यूनिक तरीके से बनाना है जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप अपना जो नाम है वो एंटर कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर देखिए नाम डाल दिया है मैंने, इसी तरीके से आप भी अपना नाम डालिए और आपका जो मोबाइल नंबर होता है उसके आखिरी के 6 डिजिट डाल दीजिए या फिर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके 6 डिजिट डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम अपनी जो मोबाइल नंबर है उसके लास्ट के 6 डिजिट डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने मोबाइल नंबर के लास्ट के 6 डिजिट डाल दी है। सबसे पहले हमने नाम डाला है, फिर मोबाइल के आखिरी के 6 डिजिट डाल दी हैं, इसके बाद में यहाँ पर मैं सरनेम ऐड कर दूंगा।
तो सेम टू सेम आपको भी कुछ इसी तरीके से बनाना है। देखिए नाम है, इसके बाद मोबाइल नंबर के 6 डिजिट हैं लास्ट के, इसके बाद जो सरनेम है वो डाल दिया बिना स्पेस के। इस तरीके से आप भी बनाओगे, एक बार में ही बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट वाला जो बटन है इस पर टच करना है। देखिए एक बार में ही यहाँ पर ये ले लिया इसने। अब देखिए यहाँ पर ये पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है शब्दों और अंकों में। यहाँ पर अल्फ़ाबेट और डिजिट में यहाँ पर आप एक पासवर्ड बनाएंगे, और आप स्पेशल करेक्टर का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टार हैश एट द रेट वगैरह लगा कर भी। आपको कुल मिला के एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है। तो आप भी यहाँ पर एक शब्दों और अंकों में अल्फ़ाबेट और डिजिट में पासवर्ड बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है पासवर्ड बना लिया है। आप भी इस तरीके से अपना पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर नीले कलर का नेक्स्ट वाला जो बटन है इस पर टच कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे इस तरीके से देखिए ये पेज आएगा। अब देखिए यस आई एम इन करके ये लिखा है नीले कलर से, आपको यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे रिव्यू योर अकाउंट इन्फो, तो यहाँ पर आपकी जो भी ईमेल आईडी, जो भी ईमेल एड्रेस आपने बनाया है एट द रेट करके, वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिए और कहीं पर लिख कर रख लीजिए, और आपने जो पासवर्ड बनाया है वो भी कहीं पर लिख कर रख लीजिए। आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को कहीं पर नोट करके रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको दूसरी ईमेल आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही जो एक ईमेल आईडी है ये आपके हमेशा काम में आती रहेगी। आप चाहे फ़ोन बदलें, चाहे कुछ भी हो, आपकी ये ईमेल आईडी आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड और ईमेल एड्रेस इसको नोट करके रख लीजिए। इसके बाद नीले कलर का नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए प्राइवेसी एंड टर्म्स का ये वाला पेज आता है, आपको नीचे की तरफ आना है। आई एग्री है, आई एग्री पे आप टच करेंगे इस तरीके से। जैसे ही आप आई एग्री वाले बटन पे टच करते हैं तो इस तरीके से गूगल सर्विसेज का ये पेज आएगा, और आपकी जो ईमेल आईडी है यानी कि जीमेल आईडी गूगल अकाउंट आपका बनकर तैयार हो चुका है। अब वो किस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी ईमेल आईडी जीमेल अकाउंट बना है या नहीं बना, तो देखिए इस तरीके से ये जो प्रोफाइल का आइकन है इस पर आप टच करोगे। टच करने के बाद एकदम लास्ट में आप देखोगे, पहले मेरे फ़ोन के अंदर कुल मिला के 3 आईडी थी, तो यहाँ पर मैंने चौथी एक ईमेल आईडी और बनाई है। यहाँ पर देखिए लास्ट में वो ईमेल आईडी ऐड हो चुकी है, जीमेल अकाउंट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप एक नई ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी गूगल अकाउंट बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से, वो भी बहुत ही सरल और आसान तरीके से कुछ ही मिनटों के अंदर में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।